हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओ लेवल गुरुजी। स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग पता है, ओ लेवल गुरुजी चैनल पर मैं रोजाना आप लोग के लिए प्रैक्टिकल की ओरिजिनल पेपर्स की क्लासेस लेकर आता हूँ। और आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ 14 जुलाई को पूछे गए सभी प्रश्नों का हल। ओके, तो जो लोग भी चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल में बने हुए बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि मैं रोजाना आप लोग के लिए चारों मॉड्यूल की, चाहे वो M1 हो, M2, M3, M4, सभी के ओरिजिनल पेपर्स का मैं यहाँ पे लाइव सॉल्यूशन करवाता हूँ। अभी मैं आप लोगों को ये क्लास प्रोवाइड करा रहा हूँ जिसमें हम लोग M1 के क्वेश्चंस देख रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद आप लोगों को किसकी मिलेगी, M2 के आज के ओरिजिनल पेपर की क्लास के सॉल्यूशंस भी मिलने वाले हैं। तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, जल्दी से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कितने बजे अपलोड होने वाली है, 8 बजे, 8:15 बजे, उसमें मैं अपडेट कर दूंगा। ओके, अभी हम देर ना करते हुए तो आज हम लोग चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। तो आज जो सबसे पहले क्वेश्चन आया था वो हमारा राइटर का क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर ये हमारा राइटर का क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए आज जो क्वेश्चन आया था यहाँ पर लिखा हुआ है, ओपन लिब्रे ऑफिस राइटर एंड टाइप द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, कुल मिला के यहाँ पे ये सब टाइपिंग करनी है। टाइपिंग करने के बाद करना क्या क्या है, इंसर्ट हेडर रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। अब जैसे यहाँ पे इंसर्ट वगैरह हेडर वगैरह इंसर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पर हमने अपना राइटर को ओपन कर लिया। राइटर ओपन करने के बाद लिखा है द टर्म रिवर सिस्टम, इस तरह से हम एक काम कर, जैसा जैसा वहां पे लिखा होगा वैसे वैसे आपको यहाँ पे टाइप करना है, उसी तरह से वहां पर आपको ये पिक्चर लगी हुई मिलती है, तो यहाँ पर एंटर करके आप इसको टाइप कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ द टर्म रिवर सिस्टम रेफर टू द, इसी तरह से मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ द टर्म। मैं यहाँ पे पूरा टाइप नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपको टाइप करके बता रहा हूँ, इस तरह से आप लोगों को भी टाइप कर लेना है। साइज मैं यहाँ पे बढ़ा देता हूँ। रिवर सिस्टम रेफर टू द रिवर, ठीक है, रेफर टू द रिवर। ओके, रिवर, बाकी ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, जो भी यहाँ पे लिखा हो आप लोगों को सिंपल टाइपिंग से मतलब है तो आप लोग यहाँ पे टाइपिंग कर देना। मैंने जैसे यहाँ पे इतना टाइपिंग की, इसी लाइन को मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया ताकि हमारा मैटर थोड़ा सा ज्यादा हो जाए। तो यहाँ पर मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, यहाँ पे भी मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। ओके, अब यहाँ पे लिखा क्या है, रिवर्स इन द हिमालय, ये सब आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट लिखा था इंसर्ट हेडर रिवर सिस्टम। देखिए ऊपर का कॉन्टेंट तो क्या है, पूरा टाइपिंग क्या है वो आप लोग टाइप कर लीजिएगा। अब मेन काम यहाँ से स्टार्ट होता है। लिखा हुआ है इंसर्ट हेडर रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया बोल्ड एंड कंटेन द साइज, यहाँ पे साइज जो आया था यहाँ पे 18 आया था, ठीक है, कंटेन द साइज 18 यहाँ पे लिखा हुआ था, तो वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। फिर लिखा हुआ था यहाँ पे एट द स्पेसिंग 2.20 सेंटीमीटर बिफोर एंड आफ्टर द पैराग्राफ, फिर हमें यहाँ पे ये करना है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले हेडर आपको बता देता हूँ, वहां पे भी आपको इंसर्ट पर आना है। जैसे आप लोग इंसर्ट पर क्लिक करेंगे वहां पर भी आपको हेडर वाला ऑप्शन मिलेगा, इसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, हेडर मिलेगा, हेडर में लिख दिया। अब हेडर में लिखना क्या है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, तो मैंने यहाँ पे लिखा रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, SYSTEM, सिस्टम ऑफ इंडिया, ये लिखा हुआ है रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। इतना लिखने के बाद अभी उसमें कंडीशंस थी कि इसका जो फॉन्ट करना है आप लोगों को कितना करना है, 18 फॉन्ट करना है, और इसको आपको कितना करना है, बोल्ड भी करना है। तो 18 फॉन्ट करना है, बोल्ड भी करना है। इसके बाद हेडर का फायदा क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर अभी एक पेज है, कंट्रोल एंटर करेंगे दूसरे कंट्रोल एंटर करेंगे तो हर एक पेज पे आपका हेडर लिख के आना चाहिए। तो वहां आप लोग ऐसे चेक कर लीजिएगा अगर आपका हेडर को सही लगा होगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है एड स्पेसिंग ऑफ 0.20 सेंटीमीटर बिफोर एंड आफ्टर पैराग्राफ, ठीक है। तो ये जो आपको मिलेगा यहाँ पर आप लोग चाहें तो इस कंडीशन में, जैसे कि वहां पर आप लोग को एक राइट साइड में एक विंडो मिलेगी, उस राइट साइड वाली विंडो पे आप लोग कर सकते हैं स्पेसिंग वगैरह। अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर लाइन स्पेसिंग आ रहा है, पैराग्राफ का यहाँ पर ऑप्शन आपको अलग जगह पर मिलेगा, जैसे आ रहा है इंक्रीज डिक्रीज, तो यहाँ पर हमें ऑप्शन देखना पड़ेगा। बाकी आप लोग राइट क्लिक करिएगा एक बार और पेज स्टाइल पे क्लिक करिएगा, अगर आपको यहाँ पर मिल जाए पैराग्राफ नाम से, जैसे पेज पर आ गए और यहाँ पर मार्जिन आ रहा है, लेआउट आ रहा है, पैराग्राफ का ऑप्शन तो यहाँ पे नहीं आ रहा है, वहां पर लेके राइट साइड में आप लोग का पैराग्राफ वाला ऑप्शन आता है तो आप लोग वहां से कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी मैं यहाँ पे देख लेता हूँ अगर यहाँ पे पैराग्राफ वाला ऑप्शन आ रहा है, फिलहाल तो नहीं आ रहा है। यहाँ क्लिक करके इंक्रीज पैराग्राफ वगैरह आप लोग कर सकते हैं। तो मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद वहां पर आपको राइट साइड में देखिएगा, राइट साइड में एक विंडो मिलेगी, उस विंडो से आप लोग उसको सेट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ फॉर्मेट वगैरह में अगर कुछ मिलता है तो, फिलहाल तो पैराग्राफ वाला ऑप्शन हम यहाँ पे देखिए, ये रहा पैराग्राफ, इस पर क्लिक करिए फॉर्मेट में। अब फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद उसमें हमें जो दिया हुआ था उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। अलाइनमेंट दिया हुआ था, उसमें अलाइनमेंट लिखा था कि हमें यहाँ पे जस्टिफाई करना है, और बिफोर एंड आफ्टर पैराग्राफ वाले तो इसमें भी नहीं हमें शो हो रहा है, तो बिफोर पैराग्राफ ये मिल गया, ठीक है। बिफोर टेक्स्ट आफ्टर टेक्स्ट यहाँ पर है, लेकिन एक बात याद रखिएगा वहां पर आपको मिलेगा उसी प्लेस पे, ठीक है, राइट साइड में मिल जाएगा, वहां पे इतना अंदर जाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आपको वहां पे देना है और ओके कर देना है, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे हमने 0.20 सेंटीमीटर यहाँ पे कर दिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट था लिखा हुआ है हाईलाइट द नेम्स ऑफ रिवर सिस्टम येलो एंड एड बैकग्राउंड कलर, ठीक है।
येलो कलर से हमें हाईलाइट करना है, तो हाईलाइट करने का सीधा सीधा तरीका यही है, हाईलाइट कर दिया हमने इस बैकग्राउंड को यहाँ पे, तो देखिए सभी पे हाईलाइट भी हो गया। इसका लिखा था एड कमेंट हिमालयन रिवर्स एंड द, जो भी यहाँ पे लिखा है पेनिनसुलर रिवर, ठीक है हमें ये कमेंट में लगाना है, ठीक है तो हिमालयन रिवर्स लगा देना है कमेंट में, इसमें लगाना है पैराग्राफ में लगा देना है, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया देख सकते हैं एड कमेंट हिमालय एंड द पेनिनसुलर रिवर पैराग्राफ, मतलब इस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेना है, कमेंट पर आना है या कंट्रोल ऑल्ट सी आपको प्रेस कर देना है तो भी कमेंट आ जाएगा आपका, वहां पर भी आ जाएगा। तो वो जो उन्होंने बोला है ना हिमालयन, ठीक है तो हिमालयन हमने लिख दिया रिवर, और दूसरी जो रिवर का नाम है वो आप लोग लिख दीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, और दूसरी जो नाम भी दिया हो वो आप लोग यहाँ पे लिख देना। फिर आप लोग इसको क्या करेंगे, बाहर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप लोग इसको बाहर क्लिक करेंगे फिर आपके पास ऑप्शन मिलेगा सेव का, वहां पर उस पर क्लिक कर दीजिएगा, तो आपका ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ओके आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने हमेशा आपको सजेस्ट किया है और आज भी प्रॉब्लम हुई थी, किस वाले क्वेश्चन में, कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही थी इंप्रेस वाले क्वेश्चन, वहां की स्लाइड है कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है, इसलिए आप लोग से मैंने हमेशा बोला है कि आप लोग जब काम करें ना लिब्रे ऑफिस कैल्क और राइटर का ही क्वेश्चन किया कीजिए, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, तो नेक्स्ट हमारा राइटर का बहुत ही इजी क्वेश्चन आया हुआ था, राइटर का लिखा था ओपन अ ब्लैंक स्प्रेडशीट लिब्रे ऑफिस कैल्क एंड प्रिपेयर द डेटा टू शो द यूज ऑफ फंक्शन सम मैक्स मिन। इसमें हम लोग कोई भी डेटा लगा सकते हैं, ठीक है इसमें आपको जो भी डेटा लगाना है उन्होंने आपकी चॉइस पे दे रखा है कि कोई भी डेटा आप ले लो, चाहे आप प्रोडक्ट का डेटा ले लो, चाहे आप एम्प्लॉइज का डेटा ले लो, जैसा आप लोग चाहे वैसा डेटा यहाँ पे ले सकते हैं, ये उन्होंने फुल चॉइस हमारे ऊपर दी। आप चाहो तो ले सकते हो कि प्रोडक्ट प्रोडक्ट का प्राइस और प्रोडक्ट का नेम वगैरह से ले सकते हो, जैसा आपको लेना हो। सपोज मैंने यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ कि मैंने आप लोग को जैसे एम्प्लॉय वाला डेटा मैं ले लेता हूँ, ठीक है एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय में क्या होंगे, एम्प्लॉय नेम होंगे, ठीक है एम्प्लॉय नेम होगा तो फिर उसमें क्या होगी, एम्प्लॉय की सैलरी होगी, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया सैलरी। हमारे बस यहाँ पे काम होना चाहिए, मैंने कुछ एम्प्लॉय एंटर किया, अमित एंटर कर दिया, रवि एंटर कर दिया, सुमित एंटर कर दिया, ठीक है सनी एंटर कर दिया, इसके बाद मैंने रिया एंटर कर दिया, ठीक है तो ऐसा कोई अपन को रैंडमली डेटा प्रिपेयर करना है, रिया एंटर कर दिया, ओके यहाँ मैंने शुभ एंटर कर दिया, तो कुछ हमने इस तरह से ले लिया। अब हम कैसे निकालेंगे इसमें, हम यहाँ पर इसका सम भी निकाल के दिखा देंगे इनको, यहाँ पे हम मैक्स सैलरी भी बता देंगे किसको मिल रही है और यहाँ पे मिन सैलरी, कुल मिला के हमें फंक्शन का यूज बताना था वो हम यहाँ पे कर रहे हैं। जैसे अमित है, मैंने यहाँ पे कोई इसको डेटा दे दिया, ठीक है 14,000 यहाँ पे दे दिया है, 10,000 यहाँ पे दे दिया है, ओके 36,000 दे दिया, तो रैंडमली लेना, ओके सब कुछ हमें क्या लेना रैंडमली, कुछ भी फिक्स नहीं है। जैसे हमने यहाँ पे डेटा दे दिया, अब हमें मेन काम क्या करना है, फॉर्मूला का यूज करके बताना, तो मैंने सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने का इसका मैंने पूरा सिलेक्शन किया और इसको मैंने क्लिक किया। अब ये हमारा B2 से स्टार्ट होगा, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो हम क्या करेंगे B2:B7, तो B2:B7 अपन को करना है, तो B2:B7 और इसको एंटर कर दीजिए, तो क्या आ गया आपका सम आ गया। तो आप लोग जैसे जैसे काम करिएगा वहां पे हाईलाइट कर दीजिएगा कि यहाँ पे आपने क्या लगाया, फॉर्मूला लगाया। ओके नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर आएंगे, मिनिमम सैलरी की बात करें तो हम क्या लगाएंगे, मिन वाला, सबसे कम पैसे किसको मिल रही है, सुमित को मिल रही है, इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे एंटर कर देना, तो सुमित का यहाँ 10,000। फिर मैक्स सैलरी की अगर हम बात करें तो क्लिक करना है, सिलेक्ट कर लेना है, मैक्स सैलरी 50,000 आ रही है, तो 50,000 किसको मिल रही है, शुभ को मिल रही है, एंटर कर दीजिए, ठीक है बस ये हो गया, हो जाएगा आपका, वहां पे आपको क्लिक कर देना है सेव पर, तो आप लोगों का डेटा हो जाएगा बिल्कुल सेव। आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके तो ये होगा हमारा दूसरा भी क्वेश्चन, मैंने आपको कंप्लीट करके बता दिया। तीसरा क्वेश्चन मैं आपको फिर से बता देता हूँ, मैं देखा देता हूँ, ये था प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन लिब्रे ऑफिस इंप्रेस ऑफ एनी रिलीजियस प्लेस इन इंडिया, अब एट द टाइटल ऑफ द क्रिएट द ईच एंड रिलीजियस प्लेस अप्लाई द सूटेबल टेम्पलेट, ठीक है तो इस सब के चक्कर में मत पड़िए, जो मैंने आपको हमेशा सजेस्ट किया है राइटर और कैल्क के ही क्वेश्चन आपको करना है। तो आज की क्लास में मैंने आपको ओरिजिनल पेपर दिखा दिए, आज हमारे दो ही, आज हमारे जो मॉर्निंग ही शिफ्ट हुई थी, इवनिंग शिफ्ट नहीं हुई थी, इसलिए आज आपको सिर्फ तीन पेपर मैंने बताए हुए हैं, आज मॉर्निंग और आफ्टरनून शिफ्ट में ही एग्जाम था। आज जो आफ्टरनून शिफ्ट में था वो हमारा पाइथन और आईओटी का था। एक्चुअली क्या होता है, एक दिन होता है हमारा IT tools and web design का, next day होता हमारा M3 M4 का। आज कल जैसे कि आपका हुआ था M1 M2 का afternoon shift में, और आज आपका था M3 M4 का। अब जो कल एग्जाम होने वाला है ना, कल एग्जाम में किस किस का होने वाला है आपका, जो कल का एग्जाम होगा उसमें M1 M2 का भी होगा, मॉर्निंग में भी और आफ्टरनून में। इसके बाद आप मुझे ये बार कमेंट कर दीजिए एक बार, 15-16 को अगर किसी का एग्जाम हो तो बता दीजिए कमेंट में कि सर मेरा एग्जाम है, तो हम इसकी नेक्स्ट क्लास लाएं आप लोगों के लिए, कल के पेपर की, नहीं होगा तो हम क्लासेस नहीं लाएंगे। ओके तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा एक चीज और बता देना चाहता हूँ आप लोगों, आप सबसे पहले तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, और अगर आप लोगों ने अभी तक
प्रीवियस क्लासेस की वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाइए और पहले प्रीवियस क्लासेस की वीडियो भी देख लीजिए। आप लोग जैसे ऑलरेडी वॉच कर रहे हैं वीडियो को, तो आपको करना क्या है, आप जैसे वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो इस कंडीशन में यहाँ पर आप लोग किस पे क्लिक करना है, हमारे चैनल पर क्लिक करना है। जैसे आप हमारे चैनल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा यहाँ पर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट, जैसे हमने यहाँ पे सर्च करके आपको बताया, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है आपको। जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ बनी है प्लेलिस्ट, इस प्लेलिस्ट पे आपको क्लिक करना है। मैं रोजाना आप लोग के लिए पेपर्स लेके आ रहा हूँ, यहाँ पर आपको क्लिक करना है प्लेलिस्ट पर। अगर M1 का आपका पेपर है तो ये बनी हुई ओ लेवल आईटीट्यूड M1 आल्फा 29 वीडियोस यहाँ पे मिल जाएंगी। ये है वेब डिजाइन के लिए, तो वेब डिजाइन के लिए 35 वीडियोस यहाँ पे मिल जाएंगी। बाकी पाइथन IoT के लिए यहाँ पर वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट से, तो जल्दी से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बगल में बने हुए बेल आइकन भी प्रेस करिए। इसके अलावा अगर आप लोगों को एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पढ़ने हैं ओ लेवल के प्रैक्टिकल के, तो हमारी वेबसाइट है careersknowledge.in, इस वेबसाइट पर आइएगा आप लोग। जब इस वेबसाइट पर आएंगे आप लोग, इस वेबसाइट पर आप लोग आके ओ लेवल वाले बटन पर क्लिक करिएगा, यहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा, ओ लेवल के प्रैक्टिकल का कंटेंट मिल जाएगा। सही क्वेश्चंस वगैरह अपलोड है यहाँ पे ओ लेवल प्रैक्टिकल के बारे में, जैसे कि आईटी टूल्स के, ये देखिए M1 का प्रीवियस ईयर का पेपर अपलोड है। यहाँ पर आप लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करके देखिए जरा नीचे, ये क्वेश्चंस आपको यहाँ पे अपलोडेड मिल जाएंगे। ओके, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ी देर में M2 R5 की क्लास अपलोड होने वाली है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।